ये मेरा सौभाग्य है कि इस टाइमलेस जर्नी में मुझे भी शरीक होने का अवसर मिल रहा है। बड़ा उषा जी से परिचय आया तब से बातचीत करने का मौका मिलता है, उनके विचारों को जानने का अवसर मिलता है, परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो मैंने उनसे एक बार सुझाव दिया था कि अब हमें इसको, इतना सारा कंट्रीब्यूशन है, इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में लाना चाहिए। और दूसरा मेरा सुझाव था कि इसको एनिमेशन फॉर्म में हम अगर ला सकते हैं तो शायद जो समाजशास्त्र कभी पढ़ाया जाता था वो पढ़ने का आसान जरिया अकेले लक्ष्मण के कार्टून से बन सकता है। इतनी बड़ी ताकत है। और मुझे खुशी है कि मेरे इन बातों को उन्होंने स्वीकार किया और जी जान से जुटे। ये प्रयास सिर्फ लक्ष्मण के लिए नहीं, उनको स्मरण करने के लिए नहीं है, यानी लक्ष्मण एक व्यक्ति नहीं थे, वे करोड़ों कॉमन मैन में बसे हुए एक तत्व थे और जिसके भीतर भी करोड़ों मन विराजमान थे और उसका प्रकटीकरण उनके पीछे में हुआ करता था। और इसलिए मैं तो देवेंद्र जी से भी आग्रह करूंगा, अगर हो सके तो महाराष्ट्र की कोई यूनिवर्सिटी एक केस स्टडी करे और क्या कार्टून के माध्यम से 4-5 दशक के समाज की अवस्था, समाज का मनोविज्ञान, राजनीति के चौराहे पर चलती गतिविधियां, देश की अपेक्षाएं और सरकारों की वृत्ति प्रवृत्ति कार्टून के जरिए भारत का सामाजिक राजनीतिक मनोविज्ञान के इतिहास, इसका एक केस स्टडी हो सकता है और लक्ष्मण ने कैसे इसको बांधा है, इसको पकड़ा जा सकता है और हो सकता है शायद आने वाली पीढ़ियों को ये ताकत के रूप में काम आता है। लेकिन शायद लगता है कि कार्टूनिस्ट ईश्वर के सबसे ज्यादा निकट होता है और शायद उसका डायरेक्ट डायलिंग ईश्वर के साथ रहता है। वैसा ही टेढ़ा मेढ़ा बनाया, उन्हीं बालों को उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना दिया। अब कॉमन मैन, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं उन्होंने लक्ष्मण को कोई एडवाइस की हो। कोई ये कॉमन मैन को देख करके कह सकता है कि ये किस स्टेट के हैं? वरना कितना ही बड़ा फैशन डिजाइनर हो, कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, वो किसी को भी चित्र बनाएगा तो दिखेगा ये शायद तमिल का छाया है या ये नॉर्थ ईस्ट की छाया है, शायद इसमें बंगाली रूप देखता है। उन्होंने कॉमन मैन का ड्रेसिंग ऐसे किया है कि हर हिंदुस्तानी को लगता है ये मेरा है, कोई कह नहीं सकता ये उस राज्य वाला है। हम लोगों का काम है कि हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इस क्षेत्र के जो नौजवान है मुझे विश्वास है कि किताब उनको बहुत काम आएगी, जो फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, जो कार्टून की दुनिया में जाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि उनकी पोती आधुनिक विचारों के साथ आई है, वो कॉमन मैन लेके आई है, कॉमन वुमेन लेकर के आई है, तो जेंडर इक्वलिटी का भी अच्छा प्रयास हो रहा है। तो मेरी इस पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं विश्वास से कह रहा हूं कि ये सचमुच में उनके लिए तो लेस टाइम था, क्योंकि तो जीवन कहीं ना कहीं तो रुकता ही है, लेस टाइम था, लेकिन वो हमारे लिए टाइमलेस है, टाइमलेस रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आर के लक्ष्मण जी वॉज द अल्टीमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कॉमन मैन इन इंडिया. हिज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हिज ह्यूमरस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन मैन एंड द वे ही प्रेजेंटेड इज फिनोमिनल. एंड आई थिंक विद द ब्यूटिफुल स्ट्रोक ऑफ लाइन्स ही यूज्ड टू क्रिएट द सैटिरिकल, द अदर काइंड्स ऑफ ह्यूमर और द प्रॉब्लम्स ऑफ ए कॉमन मैन इन हिज कॉलम. एंड आई थिंक वी विल नेवर गेट अ पर्सन लाइक यू. और इसलिए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे. लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण ने कॉमन मैन का एक ऐसा रूप पेश किया कि ये सदा के लिए एक बेंचमार्क हो गया है. अकॉर्डिंग टू मी कॉमन मैन इज अस, यू मी, रिच एंड पुअर. अ कॉमन मैन हैज नो प्रिविलेजेस ओवर अदर सिटीजंस एंड हैज टू स्ट्रगल टू मेक हिज एंड्स मीट. The common man represents the toiling masses of this country. आर के लक्ष्मण जी का सबसे बहुचर्चित और सबसे क्रिएटिव कॉमन मैन अब हमें दिखाई देगा. मैं ऐसा मानता हूं कि टाइमलेस लक्ष्मण, ये जो नाम दिया गया है, ये बहुत ही सटीक इस प्रकार का नाम है, क्योंकि आज भी हम आर के लक्ष्मण जी का कोई भी कार्टून देखे तो उनके कॉमन मैन के द्वारा एक्सप्रेस की हुई बातें भारत के कॉमन मैन को अपनी लगती है. कॉमन मैन वो कहते हैं कि चीज सोच से ना कर जितना यहाँ यलवा चना मन कर जी छुपा मन कर जी डंडे की वानो जाले तेरे कॉमन मैन ने चप्पल आंखें तेरा मा सुसु में कर जी छुमा ना तो पर्टिकुलरली आर के लक्ष्मण कॉमन मैन ही इज अ साइलेंट मैन. He's silent. He can express sorrow. He can express happiness. He's puzzled sometimes. It's a beautiful thing every morning to see. And in spite of all the problems of common man makes us to smile. So I would like to greet R.K. Lakshman for the great contribution what you have made. The common man, like the name suggests, is the average man with no special attributes to distinguish him with anything. They are generic people, the common masses, and they consist of a majority of our population. I guess that is a thing that describes a common man who is unable to sustain himself, herself for their own growth. A common man is the one who lives for his family, who lives for his dream, and this is what makes him the real hero of his life. I think if a girl is not buying a lipstick until her present one is fully dried up, or a person is not buying a gas cylinder until he is truly convinced that the present one is fully used up, then I think that he must be considered as a common man. He didn't have space, he wasn't writing headlines. So right. In that space, to create a common man, a mute guy who never said a word throughout his life, who was just observing things around him, which is what I think represented Mr. Lakshman's idea of the world. And write those few words which made so much sense. That's amazing. That thing is legendary. For any special attributes, so we're talking about the person here who has no political influence nor any financial influence that he can use. Since I was a kid, I have seen R.K. Lakshman, the common man. We used to have the complete books with only his cartoons in it. They were brilliant. R.K. Lakshman was a genius, and today on his 100th birth anniversary, I think the world misses him more than any time else. A common man may not have many influential powers inside the country or connections outside the country. कलाकारों को महज भांड का ही दर्जा देते, इस तरह आम आदमी फर्ज इंसानियत का निभाते. Was born 24 October 1921. R.K. Lakshman started his career. Common man desires for a nation that offers a high dose of tolerance and patience for it. So this man is an integral part of my everyday life because he greets a hi and bye to every visitor at home. Besides that, I have always tripped on Wagle Ki Duniya as a kid because it was always my dinner time show. So on his 100th birth anniversary, I wish the entire family good luck, lots of love. Sri R. K. Lakshman, whose very birth is an incarnation, concerned about the common wheel of common men. The legacy of his great idealism is being continued
the saga is, the process. We are very happy to acknowledge someone whom I refer to as Mr. Consistency, because he followed his heart and passion consistently for more than half a century, which is not a joke. May the Lakshman legacy continue forever. In terms of how life is to be appreciated and lived and caring for the world around you. Hippopure to the common man. We are still trying to fit on those routines. And the power of a common man is none. After his family goes out to earn a living and pays taxes and performs all the other duties. People do focus on the rich. And yes, a percentage population who are below poverty line are benefited. But the one class that gets lost in between them is a common man. For them, the common man is equality. He represents equality, that everyone is equal, that all of us, you know, the common people are equal, and we stand there and are a spectator to everything which is happening around us, good, bad or ugly. So the common man for us represents the equal people, that we are all equal. जसको असीम सम्पत्ति असीम इच्छा हुँदैन त्यसलाई साधारण मानिस भनिन्छ अन्य मानिसको तुलनामा साधारण मानिसको जीवन नै असल जीवन मानिन्छ I applaud and praise the team of Shri R.K. Lakshman to keep his work alive for us and for generations to come. As a creative person, when I find myself making excuses not to create, not to work because I'm not inspired enough, all I have to do is look at a Lakshman cartoon and I automatically get one tight slap on my face looking at what this man has achieved every single day for decades together. Hi, a common man does not wait for the storm to pass. He learns to dance in the rain. He always possesses a never-give-up attitude. Common man is a person who finds happiness in small things. आर के लक्ष्मण या महान व्यंगचित्रकाराचं जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून आपण साजरा करणार आहोत. आर के लक्ष्मण यांचं व्यक्तिमत्व म्हणजे अत्यंत तल्लख विनोदबुद्धी आणि अत्यंत चाणाक्ष अशा राजकीय जाणीवा असलेलं व्यक्तिमत्व होतं. साधारण माणूस मो हिसाबरे साधारण माणूस जणे नीती नियमवान जणे अर्थसाक्षर किंवा अशिक्षित होईपारे किंवा जणे साक्षर होईपारे जणे दुर्नीतीग्रस्त होईपारे किंवा जणे भल माणूस होईपारे. इट इज माय प्राईड अँड प्रिव्हिलेज टू जॉईन in the beginning of the centenary celebrations of Sri R.K. Lakshman ji, a great genius who I always think with pride and I salute him today. I am very glad to be working with his daughter Usha Lakshman ji to carry on the legacy of his work through an academy for creativity. I wish all his fans, all his family members, a continued efforts in all the work they are doing to keep his creativity to reach as many people as possible. ஒரு காமன் மேன் அதாவது ஒரு பொதுவான மனிதன் என்றது யாருன்றால் மக்களோடு மக்களாக அதாவது எந்த ஒரு பேர் புகழ் செல்வாக்கின்றி ஒரு இயல்பான வாழ்க்கை வாழ்பவன் காமன் மேன். আমার দ্বারা কমন ম্যান অর্থাৎ জনসাধারণ কিংবা সাধারণ মানুষ দ্বারা যারা নিজেদের জীবন সামান্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়. I think R.K. Lakshman, if you want to, was a person of great ability, great satirist, cartoonist, great satirist, person of great character, and a person with great self-belief. দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো কমন ম্যান বা সাধারণ মানুষ নিয়ে. সাধারণ মানুষ বলতে আমি যা বুঝি, সাধারণ মানুষের বাসস্থান রয়েছে, তিনি সমাজের একটি অংশ, তিনি কোনো বড় সেলিব্রিটি বা পলিটিশিয়ান নয়, তিনি একজন সাধারণ মানুষ. Common man is the common denominator of our experiences. A common man plays an important role in the society. আজকে আমরা কথা বলবো কমন ম্যান বা সাধারণ মানুষ নিয়ে. সাধারণ মানুষ বলতে আমরা কি বুঝি? আমার মতে সাধারণ মানুষ হচ্ছে তিনি যার কাছে খাদ্য রয়েছে, বাসস্থান রয়েছে এবং একটি পরিবারও রয়েছে. India has been hugely blessed because it has produced one of the world's greatest cartoonists in R.K. Lakshman. For more than two generations of Indians, Lakshman has been a daily reminder of what India and Indians are like.
in their everyday life, in their public life. With a few deft strokes of the pen, Lakshman has been able to evoke the essence of the absurdity of a particular political or social situation. Mana current welfare system alone and present panchayalukunda a common man tan pani tan duty cheyalukunda sampadinche prati roopai nade anukuntadi maamulu manishi prabhutvalannitini nene nadipinchestunnanu anukuntadi maamulu manishi ade kono probhab nei jara ek moddhobitto sodosyo sadharonbhabe jibon japan kore thaken থাকার জন্য একটি ঘর আছে அதே மாதிரி நிறைய பணம் எல்லாம் நிறைய செலவு பண்ண மாட்டாங்க எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சிட்டு ஃபியூச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சப் ஆர் கே லட்சுமண் சாப் கி பஹலி ஜன்மஷதி மனானे जा रहे हैं कितना शानदार मौका है मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर लक्ष्मण साहब होते तो उनके कार्टून का आम आदमी कैसा होता उसकी अभिव्यक्तियां किस तरह की होती कई बार लगता है कि आज आम आदमी को आर के लक्ष्मण साहब की कलम और कूची की बहुत जरूरत है हिज पर्सनैलिटी कैन नॉट बी इट इज इनफिनिट पर्सनैलिटी वॉज इनफाइनाइट एंड इट वॉज अ कलोसल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट विटीनेस ह्यूमर passion, emotions, it was all in one. ये भारत देश का एक important हिस्सा है आम आदमी इस election में बड़ा योगदान देते हैं The idea of a common man can be also a representation of a maximum people of a maximum people in a society. A common man is someone who is very natural, who is very realistic, who is very hard working. कॉमन मैन की पत्नी है जो मुंह फट करके जो भी कहना चाहती है वो कह देती है शी इज अग्रेसिव तो एक इनके दोनों के बीच में जो एक डायलॉग पैदा उन्होंने किया उन्होंने बनाया ये जो डायलॉग है दिस इज द डायलॉग बिटवीन पैसिव इंडिया एंड अग्रेसिव इंडिया एंड दैट डायलॉग वाज फैसिनेटिंग बिकॉज जो एक कह नहीं सकता था वो कहती थी जो वो फील नहीं कर सकती थी ये फील करता था सो इट वॉज इट वॉज इट्स इट्स आई डोंट नो वेदर ही ट्राइड टू डू इट डिलिबरेटली बट इट वॉज अ परफेक्ट प्लेइंग ऑफ ऑफ ईच अदर दे हैव रेगुलर पेइंग जॉब्स एंड दे पे टैक्सेस दे फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നത് മധ്യവയസ്കരാണ് അവർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര അറിവുകളില്ല കമൺമെൻ കേ ബുലാ കമൺമെൻ കാ മത്ലബ് ഹുവാ ആം ആദ്മി തോ ഉൻ ഹിസാബ് സെ ദേഖേ ജായേഗാ തോ ഹം ലോഗ് കമൺമെൻ ഹൈ ഇൻ ദ വാ ലോഗ് കോ കമൺമെൻ ഹൈ ജാ ഓർ ഹർ ഏക് ഇൻസാൻ ജേകാ റോസ്മറാ കേ ജറൂറത് ഓർ റോസ്മറാ കേ അനുഭവ ഇക്കേ ഹുലാ ജേ ഏ വോ ഈ ദേശ് കേ ഹോ എവരി സിറ്റിസൻ ഹോ ഓകേ ഹം കേ കമൺമെൻ കാ സകേ നി ജാ ഏ കമൺമെൻ ഈസ് ദ വൺ ഹു ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് ഡ്രീംസ് വിത്ത് ലോട്സ് ഓഫ് എസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈർസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് Prototype a representative of maximum people in the society and thus the virtue, needs and the deficiencies of a common man would be the reflection of that of the most of the people in the society. त्यसैले गर्दा धनी गरिबी भेदभाव नगरी एकजुट भएर भनौँ भने जुनसुकै परिस्थिति पनि सुल्झाउन सकिन्छ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु एक्सप्लेन विथ कमन म्यान इट्स फर मी इट्स लाइक अ सिनारियो ब्याड गुड ह्याप्पी स्याड स्क्यारी एभ्रिथिङ इन अ स्माइल कॉमन मैन ही जो ए मिशिंग पांग आए तब मेरे थे नि चुआंग लाओ मी हाउस नि चुआंग लाओ मी हाउस आनी लाओ पन हाउस अक ओवर तुम लाओ मी जंग जंग ने ना है रिलेशन ने छाते तुम आ मिल माने लाओ मी जी ना बुआई ना स्याम आए लाओ माने मानी छूंग को ताना फेल तब खत्यांग खा कतान जंग कॉमन मैन नि में फलो में While this might be true, I do think that the commoner is the person who moves the society as a whole. In Lakshman Kongeni, Kongo, Chuni, Kongo, Kasimbi, or Nimu Delaya, and he was in it to Dixo this, Lani, Kanawashi Sumi,
अनि दिला होइन अनि त्यत्रो जोखा ल्याएको छैन त कमन म्यान नेचुरा फेरि तर्सी होइन होइन अनि निक्युमा ल्याउने भिसे क्युमा अनि लुङ्गै नआउने प्रेमको छेमसी क्युमा छेक्ने अनि सिमिलरली इन केस अफ कमन म्यान वेन दि वेभ अफ स्ट्रगल पेन प्रब्लम पासेस ओभर हिम কমন ম্যান কি হয় আৰু আমি কাক এটা কমন ম্যান মাতিব পাৰোঁ মোৰ মতে কমন ম্যান এটা ইণ্ডিভিজুৱেল হয় যোনে তাৰ নৰ্মেল লাইফ জীয়াই সি এটা কমনাৰ হয় আৰু তাৰ একো ডাঙৰ টাইটেল নাথাকে হু হেজ ন' পলিটিকেল পাৱাৰ ন' ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথ টু ইনফ্লুৱেঞ্চ মাছেছ অৰ ফুলফিল হিজ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী ডিমাণ্ডছ আ কমন ম্যান ইজ এনি পাৰ্চন হু হেজ আ বেছিক নীড এণ্ড ৱান্ট অফ লাইফ and strives to fulfill them samanya manavudu chala udaharana chala mandiki udaharanaga udaharanaga nilustadu tana porata shakti tho tana pratimito tana pratibhato anni ala sadhinchukuntu ala sadhinchukuntu pothadu o common man ko use karta hu jinhone sari duniya ko common man ki ahmiyat di common man kya hota hai uski importance bataye unhone और घर में आने जाने के बाद मैंने बताया आपको कि एक बार उन्होंने ऐसे पूछा डू यू हैव वॉशिंग मशीन हमको नो सर यू टेक माई वॉशिंग मशीन विद यू एंड मेड इन चेन्नई मैं ले गया टैक्सी पर घर पे मेरे पास सचमुच वॉशिंग मशीन उस वक्त नहीं था उन दिनों अब तो है लेकिन उस समय नहीं होता था हम लोग रियली एक मिडिल क्लास कॉमन मैन रहे प्ले for first 3 years of our life and then the life race begin. He is least bothered about the political affairs and he is always struggled to his daily life. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਕਿ ਵਖਲਨ ਦਾ ਕਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਬਸੀ ਚਮ ਚਮ ਨਹੀਂ ਜਰ ਬਸੂ ਵਖਲ ਦੀ ਆਮਨੇ ਚਾਉਜ਼ਬਾ ਸਮਾਸ ਕੀ ਯੁੰਬੀਨੀ ਹਾਈਨ ਕੂਲਸ ਟੂ ਮੈਟਰੋਸ ਫਰਮ ਹੈਵੀ ਸਕੂਲ ਬੈਗਸ ਟੂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕਸ। Yet we do not utter a word. Just to all the actions in the comic, R.K. Lakshman generally took his inspirations from the common men's lives and aspirations. Common men jirkan bhalle chitok sana common chan oman kanji tapoyan chupa oman kanji ngelva chan oman kanji ta chaman onto shikala. Aji ma kobole ulai to common men ni hor bikhoye. Common men ho hoyse amar samajo sadharan manukini jibre nijor jibon bahut kostore kotabo laga hoy. आज उन्होंने बताया एक आम इंसान क्या को एक आम इंसान गो सो इंसान उस एक आम जिंदगी छू गुजारान इस पर रोजमर्रा से जरूरियात पूर करने खतरे से जदोजह अगर इस आम इंसान सन तरजी है तम स दोन वक्त हंद चोट तम स बच्चन हिंस बढ़े तो तम सन आयाल सन मुस्तकबिल बनाऊन influence to masses or fulfill his extraordinary demands or and who has no privileges over the citizen has to struggle to make his own ends meet. My tribute to celebrate the 100th birth anniversary of legendary R.K. Lakshman ji. His creation, the iconic character, the common man, is here to stay forever for the people of our country. R.K. Lakshman ji's cartoons featured every subject and touched the hearts of every living soul. कॉमन मैन मणिपुरी गायकी आई विचम कोई अब सिंपली आए बद फजन लेब अब माकी मौंग मतलब फब सिंपल होने लेब मीरू कॉमन मैन है ना कब आए इज बिलोंग टू दैट फैमिली विच इज नेदर नेदर हाई इनकम और नॉट लो इनकम एंड देयर लाइफ इज नॉट ए लग्जरीज बट दे हैव एवरी नीडेड साधारण मानु सके निश्चय अपना लगे जानिब साधारण मानु कौन है साधारण मानुर लाइफस्टाइल সাধারণ মানুহৰ অন্তৰ কিমান চাফা সাধারণ মানুহ যৰ পৰা সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হয় বিটুইন আদার্স অরাউন্ড আস আৰ এজ ইকুৱেলি এজ মটিভেটেড এজ উই আৰ আই অলসো বিলিভ দ্যাট আ কমন মেন ইজ ভেরি পাওয়ারফুল আই നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ആരാണ് ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു രാജാവാണെങ്കിൽ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി വരാൻ പോകുന്ന 10 വർഷത്തോളം ഉള്ള കാലഘട്ടം മുന്നിൽ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആം ആദ്മി കോൺ ഹൈ ജോ അപ്നി ഉമ്മീദാ തേ അഭിലാഷാ നു പൂരാ നാ കർ സകേ ജോ ജേകോ കോയി ഭീ പൊളിറ്റിക്കൽ ശക്തി നാ ഹോവേ ജോ വട്ടേ പദ്ദർ നു പ്രഭാവ് നാ കർ സകേ ജിസ് നു ജീവൻ ചേ ബോട്ട് സംഘർഷ് കർനാ പവേ
आर के लक्ष्मण या नावाशी पहिली ओळख झाली ती मालगुडी डेज या सिरीजमुळे. त्याच्या टायटल ट्रॅक बरोबर जी चित्र दाखवली जायची ती खूप फॅसिनेटिंग वाटायची, विशेषतः मालगुडी स्टेशन. त्यामुळे हा चित्रकार कोण आहे याचा शोध घेतला तेव्हा आर के लक्ष्मण हे नाव पुढे आलं. मग जसजसे मोठे होत गेलो हेही लक्षात आलं की सर्वसामान्यांचा ते आवाज आहेत. त्यांच्या कार्टून्समध्ये ऑब्झर्वेशन आहे, डिटेलिंग आहे, ह्युमर आहे, तसाच विरोधाभास सुद्धा आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या, त्यांची तळमळ, त्यांची कन्फ्युजन्स, त्यांच्या वेदना, अशा सगळ्या भावना त्यांनी वेळोवेळी त्यांच्या कार्टूनमधून व्यक्त केल्या, अगदी रोखठोकपणे आणि बिनधास्तपणे, बेधडकपणे. आर के लक्ष्मण यांच्या स्मृतीला सलाम. विथ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन्स, समवन हू ऑलवेज स्टँड्स फॉर राईट. That's what a common man is for me. I think a common man is somebody who tries to make the most out of what he is given. The idea of being a common man is wide-ranging though. Man society de manu anda kinya sai society wa mohan kinya katha koi society de mohan kinya thik bolage idon she matter kare mohan. Each and every possible thing he can do for his family and country and never stays back when something is going wrong. आम आदमी एक वो मनुष्य है जिको सादो जीवन व्यतीत करिया करे. सुबह 8 बजे लेन है, रात रा 8 9 10 जब तक उन ड्यूटी चलेला जब तक वो काम करेला. पगार महीने की 20,000 फिक्स होया करे. और आम आदमी बारे में चिंता नहीं करे. उन्हें तो ध्यान है कि मैंने वाला का काम करना है और 20,000 रुपये कमाना है और मेरे घर बारो ध्यान रखना है. A middle class person, a poor person, thus cannot always afford things. Thus, the rate of vegetables and many stuffs should be lower down. Education, healthcare, safe housing, fair wages, and 2 square meals a day. To be able to have all of the above, one must have to contribute. It is important that we establish that we are a nation that has given up so far. His elder brother, Archidorian, an eminent novelist of his era. According to me, a common man is someone who doesn't have any political power or financial strength to fulfill his extraordinary needs and influence masses. Hello, my name is Tushar Modai and I'm going to speak on a topic, what is common man? A common man is someone who is like the ordinary people and does not have any special power or privileges. I've been one of the lucky ones who has worked and interacted with Mr. Lakshman. He is undoubtedly a genius. None of us woke up in the morning and not looked at his cartoon first when we were there. It happened for decades. But what I know from my interactions with him is that his genius went beyond just the cartoons. It was also about the kind of vision that he had, the manner in which he looked at issues, looked at the news, and the way in which his mind just sharply focused on something that would bring out what is funny or what is incisive about developments and things that we wrote about.